हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए लाई हूँ इकनॉमिक्स की क्लास क्लास इलेवेंथ के लिए बेटा ये हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन अब हम अपने चैनल पे इकनॉमिक्स भी पढ़ेंगे क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ ठीक है बेटा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कोई टॉपिक समझना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं जो टॉपिक आपको समझना हो उसके लिए मैं आपके लिए श्योरली वीडियो लेकर आऊँगी ओके तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन अलग अलग बुक में ये चैप्टर नंबर डिफरेंट हो सकता है तो हम टॉपिक वाइज करेंगे दिस इज़ अ प्रोडक्शन फंक्शन एंड हमारी इससे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नंबर वन है तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है राइट right? तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है इसका मीनिंग देख लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स ऑफ अ कमोडिटी मतलब फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट्स क्या होते हैं फिजिकल इनपुट्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन में फैक्टर्स यूज होते हैं और फिजिकल आउटपुट क्या होता है जो हमारा आउटपुट जो हमारा प्रोडक्शन होता है जो फॉर्म एक प्रोड्यूस करती है उसको फिजिकल आउटपुट बोलते हैं तो बेटा ये टेक्निकल रिलेशनशिप है फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट के बीच में ओके बेटा एंड स्टडीज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट मतलब प्रोडक्शन फंक्शन फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करता है राइट right? इसको लिखते कैसे हैं देखो क्यू एक्स मतलब प्रोडक्शनोडिटी एक्स और फंक्शन फंक्शन किसके बीच में लेबर और कैपिटल के बीच में हां जी बेटा कैपिटल को के लिखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर नेक्स्ट फिजिकल इनपुट अभी मैंने बताए थे क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन land labor capital entrepreneur these are the factors of production okay beta physical output jo firms produce karti hai jo firms ka production hota hai that is a physical output okay आपको मैं हम एक पॉइंट और बता दूं इसके अंदर इम्पोर्टेंट कभी ही भी प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो कभी भी इस्टेब्लिश नहीं करता प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमिक रिलेशनशिप कभी भी इस्टेब्लिश नहीं करता ओके okay बच्चे अब नेक्स्ट प्रोडक्शन किसका का रिजल्ट होता है जो प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस करते हैं जो फॉर्म एक गुड्स का प्रोडक्शन करती है वो कुछ का रिजल्ट है यस कंबाइंड एफर्ट्स कंबाइंड एफर्ट्स किसके कंबाइंड एफर्ट्स यस दिस इज़ अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं हम यहाँ पर इस चैप्टर में

फिक्स फैक्टर वो होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते राइट? अंडरस्टैंड? वेरिएबल फैक्टर का एग्जाम्पल देख लेते हैं रॉ मटीरियल कैजुअल लेवर पावर फ्यूल एटसेट्रा ये बेटा आउटपुट के साथ यानी कि ये ना प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते रहते हैं राइट प्रोडक्शन बढ़ाना बढ़ना है बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल बढ़ाते रहेंगे कैजुअल लेबर बढ़ाते रहेंगे राइट फिक्स फैक्टर बेटा वो फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ा ही नहीं सकते इनको अगर हमें फिक्स फैक्टर के हेल्प से अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो शॉर्ट रन टाइम पीरियड वो होता है जिसमें ये फैक्टर जैसे प्लांट मशीनरी बिल्डिंग परमानेंट स्टाफ ये फिक्स रहते हैं इनमें किसी बात का कोई चेंज नहीं होता ओके बेटा तो ये सिर्फ एक प्रोडक्शन फंक्शन का मैंने मीनिंग समझाया आपको और शॉर्ट रन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिफ्रेंशियट करते हैं हम दो फैक्टर में जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर वेरियबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर ओके बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफ्रेंशिएशन है ओके आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आया हो और इन केस अगर आपको इकनॉमिक्स में किसी भी टॉपिक को समझना है तो श्योरली आई विल प्रोवाइड फॉर यू अनदर वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज फार एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो